हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट थर्ड हिस्ट्री ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर नंबर सिक्स देखने वाले हैं जो 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं द क्वेश्चन आर ऑफ इक्वल वैल्यू आंसर इन फाइव क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर वन इज़ कम्पल्सरी सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दे जिनमें प्रश्न संख्या एक अनिवार्य है यहाँ से जो है आपको किसी फाइव क्वेश्चन का आंसर देना है जिसमें क्वेश्चन नंबर वन जो है जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंपल्सरी है ऑब्जेक्टिव्स आपको बनाना ही पड़ेगा तो ऑब्जेक्टिव आपका जो है एक ऑब्जेक्टिव टू मार्क्स का है और टेन ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है तो ये ट्वेंटी मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव्स है तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है हु ट्रेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ पलासी पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया तो आंसर हो जाएगा इसका मीर जाफर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है दूसरा नंबर क्वेश्चन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया took place? सत्तावन के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट right आंसर है लॉर्ड कैनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है न वॉज परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवनटीन हंड्रेड नाइन्टी थ्री सत्रह सौ तिरानवे में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्लेस इन इंडिया ब्रिटिश स्टार्टेड डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भारत में किस स्थान पर ब्रिटिश ने सरकार के द्वैध व्यवस्था की शुरुआत की तो आंसर हो जाएगा बंगाल ऑप्शन नंबर दो जो है इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है डेर इन द प्रिंसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट ऑफ प्रांतों में द्वाद शासन लागू किया गया था तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर है 1919 अधिनियम के द्वारा 1919 सौ उन्नीस बाय द एक्ट ऑफ 1919 के अधिनियम के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वायसराय एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय का नाम बताएं तो ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर हो जाएगा डफ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वाज़ पास्ट किस साल में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पास किया गया तो आंसर हो जाएगा इसका अठारह ईस्वी इस में ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज आर्य समाज के संस्थापक कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर थ्री इसका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द पार्टीशन ऑफ बंगाल टू प्लेस किस साल बंगाल विभाजन की घटना हुई तो आंसर हो जाएगा इसमें 1905 सौ इस ईस्वी में ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवॉल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मोमेंट वाज पास्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्न में से किस शहर में पारित हुआ तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे क्वेश्चन नंबर सेकेंड से जो है आपको यहाँ से नाइन क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से किसी चार को बनाना है और ऑब्जेक्टिव आपको कंपलसरी है वो तो बनाना ही पड़ेगा और ये एक क्वेश्चन जो है ट्वेंटी मार्क्स का है तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ पलासी पलासी के युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें सेकेंड क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस द एंग्लो माइसोर रिलेशंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हैदर अली हैदर अली के समय में आंगल मैसूर संबंधों की विवेचना करें नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन है डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय टू इंडिया टू इंडियन रेनेसा इन द 19th सेंचुरी उन्नीसवीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय के योगदानों की विवेचना करें नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन आउटलाइन ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कनवालिस लॉर्ड कनवालिस के सुधारों की एक रूपरेखा प्रस्तुत करें नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 फिफ्टी सेवन सौ सन्तावन ईस्वी के विद्रोह के कारणों का उल्लेख करें नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द साइलेंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 उन्नीस सौ उन्नीस ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन वर्णन करें नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ नन कोपरेशन मोमेंट असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन फ्रीडम मोमेंट भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन करें और लास्ट क्वेश्चन है राइट ऑफ ब्रीफ एसे ऑन द बॉयकॉट एंड स्वदेशी मोमेंट बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन पर संक्षेप में एक निबंध लिखें आई होप यू इन्जॉय द लेसन इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग